तो गाइस हम लोगों ने लस्सी पी ली है और लस्सी पीने के बाद हम जा रहे हैं विश्राम घाट। तो गाइस ये है यमुना नदी। गाइस तो हम यहाँ सबसे पहले बोटिंग करते हैं, तो मिलते हैं आपसे बोट पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल लेट्स राइड विद करण, इट्स मी करण। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैं बोटिंग में बैठ चुका हूँ, बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। यस कोई नहीं तो क्या तो यमुना नदी यमुना घाट विश्राम घाट से हमारी बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए पर हेड का इन्होंने हाय गाइस। तो ये साथ में कुछ पैसेंजर्स कुछ सवारी है जो यात्रीगण हमारे भक्तगण द्वारकाधीश के वो साथ में बोटिंग कर रहे हैं। सब मतलब हवा चल रही है भैया, इसको हटा दो यार, हवा आएगी अच्छी और क्या, हटा दो यार। ये रानी घाट है, ये रानियों का घाट है। वहाँ नहीं ले जाओगे? मर गई उनके वहाँ पे समाधि, अभी जाओगे ना वहाँ पे जाते हैं। दिखा देना समाधि, दिखा देना भाई। और देखो ये वाला है ना सामने वाला, यहाँ पे मोटर बोट यहाँ पे हम सुन नहीं रहे, ये बात बना दिया। जो जो आएगा सब बताते जाएंगे, हमें बताना इनको, मजा हमें बताओ अपने हिसाब से। सामने वाला है ना ये मोटर बोट लगी हुई है, ये वासुदेव घाट है। इधर से कृष्ण भगवान को टोकरी में रखने गए थे ऐसे यमुना पार के, वो सामने दिख रहा है देखो जाजियों के पीछे वो गेट सामने दिख रहा है। हां वो बता रहे थे, वो गोकुल गेट है, इधर से गोकुल जाने का रास्ता यमुना पार करके लेके गए थे गोकुल कृष्ण भगवान। हाँ वो जो छक्के इससे महल से लेके गए थे ना जब, ठीक है। देखो ये सामने वाला है ना ये मस्जिद है, ये संत घाट है, इसमें हनुमान जी और शंकर जी की मूर्ति अंदर मस्जिद है। पता है यहाँ मस्जिद है, ये सामने वाला है मस्जिद में भगवान है। हाँ भगवान थोड़ी है। द्वारकाधीश का मंदिर है यहाँ मेरे, एक मंदिर है, मैंने मंदिर है, सीधी करो ने क्या खा लिया, सब लोग बैठे रहना भैया जी, नाव लग जाए तब आगे से एक एक करके उठना हो पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हमने कर ली है बोटिंग, हम आ गए हैं यमुना के तट पर जो ये है विश्राम घाट। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लग रहा है, विश्राम घाट का बोर्ड लग रहा है। ये जो नाव वाला था तो उसने हमको बताया कि ये गोकुल का गेट है और ये जो कृष्ण जी को लेके गए थे, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उन्होंने पूरा जो कृष्ण जो यमुना रिवर क्रॉस किया उन्होंने पूरा यहाँ से लेके गोकुल तक गेट क्रॉस कर, उन्होंने बोट वाले ने हमको अभी ये बताया पूरा। और कंस की जो दो पत्नियाँ थी वो बताया, कंस महल दिखाया हमको और कंस की पत्नी की समाधि कहाँ वो भी बताया था, बट एक साथ समझ नहीं आ रहा किधर है वो बताया था हमको, ठीक है। तो और क्या बताया, और भी बहुत कुछ चीज़ बताई थी कि और कौन कौन सा मंदिर है, बट याद नहीं आ रहा। ब्लॉग में जो आया वो आप देख लेना अच्छे से, और ब्लॉग को प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है उसको एडिट करने में।
अभी बजे हैं 4:15 द्वारकाधीश मंदिर खुलेगा। द्वारकाधीश मंदिर जस्ट यहीं से है, पास में 5 मिनट की भी दूरी नहीं है। तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे कृष्ण जन्मभूमि पे। बच्चे नहा रहे हैं, मम्मियाँ चिल्ला रही है नदी में से बाहर। तो ये प्लीज़, अब 2 घंटे हमको लगता है कि हमको 2 घंटे क्या करना है, हमको 2 घंटे यहीं बैठे रहना है यमुना नदी के पास, या और कुछ अगर लगता है तो और कुछ कर लेंगे। और कहीं जाने का कुछ है नहीं, मंदिर होगा या आसपास तो कुछ देख लेंगे, मंदिर या मंदिर के अलावा और कुछ नहीं है। बच्चे रो ही रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे जब द्वारकाधीश मंदिर के गेट खुल जाएंगे, द्वारकाधीश मंदिर में आपको दर्शन कराएंगे, उसके बाद मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए ब्लॉग देखते रहिए, पुराने वीडियोस देखिए, पुराने ब्लॉग्स देखिए। जो नए मेंबर थे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करो। ठीक है, बाय बाय। चल जाएगा। गाइस अभी तो घूमी घूमी हो रही है नदी में। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो इस ब्लॉग में हमने करी है यमुना में बोटिंग और 2 घंटे विश्राम घाट पे विश्राम। तो अभी 3:45 हो रहे हैं, तो अभी हम निकलने वाले हैं द्वारकाधीश टेंपल के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कराएंगे द्वारकाधीश जी के दर्शन, और निकलेंगे हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तो गाइस प्लीज़ जो 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 नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे और भी अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे लेट्स राइड विद करण। थैंक यू।